नमस्कार साथियों, आरके कोचिंग 010 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कवि और रचनाएं हैं जो कि PSSSC पैट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, कीर्ति पताका के रचयिता कौन हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रहीम। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सरोज के लेखक हैं? ऑप्शन ए अंबिका चरण, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन सी जगमोहन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी भारतेंदु, ये प्रेम सरोज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है? ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी युगचारण, ऑप्शन सी लहर, ऑप्शन डी पावस पचासा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सुमन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी रैदास। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहते थे, ये उनके कवि थे, दरबारी कवि, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवनी पर आधारित ही इसकी रचना करी है। क्वेश्चन अगला है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए पंचमढ़ी साकेत, ऑप्शन बी रसकलश, ऑप्शन सी हिमतरंगड़ी, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो साकेत और पंचमढ़ी हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है, बीसल देव रासो के लेखक हैं? ऑप्शन ए नरपति नल्लहा, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी कबीरदास। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नरपति नल्लहा, बीसल देव रासो के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है, सुरसावली सुर संग्रह किनके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रैदास। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर सूरदास की सभी रचनाओं में, ज़्यादातर 90% जो रचनाएं हैं उनमें उनके नाम के आगे के दो अक्षर लगे हुए हैं सूर। इसमें भी सुरसावली सुर संग्रह, तो इसमें भी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सूरदास हैं। क्वेश्चन अगला है, वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कबीरदास। इनको पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। इनकी रचना बीजक है, बीजक के अंदर साखी शब्द रमैनी आते हैं
और इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, बिहारी सतसई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिहारी दास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है दोस्तों, बिहारी सतसई बिहारी दास जी से संबंधित है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन डी निराला, सॉरी हाँ मीराबाई ऑप्शन बी पर नहीं ऑप्शन सी पर होगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी एक कृति है और इसमें जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी दिनकर के लिए जाएगा। उर्वशी रचना के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन अगला है, तार सप्तक के रचयिता कौन हैं? बताइए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तार सप्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए अग्गे, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी सदा सुखलाल, ऑप्शन डी रहीमदास। तो तार सप्तक के रचयिता ऑप्शन ए अग्गे हैं। इनका अग्गे का पूरा नाम पूछा जाता है तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद बात हीरानंद बातस्यान अग्गे था। क्वेश्चन अगला, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए मुंशी इंसाअल्लाह खान, ऑप्शन बी जायसी जिन्हें हम मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सी मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन डी लल्लू लाल। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मुंशी इंसाअल्लाह खान। अगला क्वेश्चन, गोदान गबन किसके उपन्यास हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं दोस्तों ये ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी टेट सुपर टेट यूपी टेट में पूछा जाता है। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी बिहारी दास, ऑप्शन सी रहीम दास, ऑप्शन डी निराला। निराला को हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से भी जानते हैं, इनका पूरा नाम है। बताइए दोस्तों गोदान गबन किसके उपन्यास हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी रचना है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अग्गे, ऑप्शन डी कबीरदास। दोस्तों जहाँ तुलसीदास रचना का नाम आ जाए वहाँ ध्यान रखना है, तुलसीदास ऑप्शन में हो फिर भी नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी निराला के लिए जाएगा। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनमें तुलसीदास नहीं लिखा हुआ है, तुलसीदास जो केवल रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला क्वेश्चन, चंद्रकांता किसकी कृति है? ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं ली गई हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें भूलिएगा मत। एक एक रचना एक एक कवि बहुत चुन चुन के इकट्ठे किए हैं मैंने और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बताइए दोस्तों चंद्रकांता किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, कामायनी आंसू स्कंदगुप्त किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी निराला। यदि दोस्तों इन तीनों में कामायनी आंसू और स्कंदगुप्त में अगर इनमें किसी भी एक रचना का नाम आपको उसके लेखक का पता है तो इस आंसर को इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे सकते हैं।
कामायनी आंसू और स्कंदगुप्त, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन अगला, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद का टीका किसकी रचना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी बिहारी दास। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इससे पहले हम गीत गोविंद किसकी रचना है यह पढ़ चुके थे। गीत गोविंद जयदेव की रचना थी, परंतु इसमें लिखा है गीत गोविंद का टीका किसकी रचना है। गीत गोविंद का टीका मीराबाई, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तबला और सितार के आविष्कारक कौन हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी सदल मिश्र। बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बीजक के रचयिता कौन हैं। अभी बताया था दोस्तों कि बीजक वाणी का डिटेक्टर, पंचमेल खिचड़ी के नाम से किसे जानते हैं, वही इसका राइट आंसर है। इसमें है ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी नाभदास, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी जिन्हें। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कबीरदास। आज का लास्ट क्वेश्चन, मैला आंचल के लेखक हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए जयशंकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रेणु, इनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है, ऑप्शन डी सूरदास। बताइए दोस्तों मैला आंचल के लेखक कौन हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है हिंदी में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो मैला आंचल के लेखक हैं ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और इस समय स्वास्थ्य में भी ठीक नहीं चल रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।